17 फरवरी रात को हम सोए हुए थे जी। 12 बजे हमने अचानक कुछ बाहर से गन शॉट सुने, अचानक गोलियों की आवाज़ जब हमने सुनी कान के अंदर भी, तो हम सारे घर वाले समड़ गए एक कोने में, घर के एक कोने में। जो ही हम समड़ गए तो बाहर से बहुत फायरिंग हो रही थी, कहीं से पता नहीं चल रहा था कि ये फायरिंग कहाँ से हो रही है। और सुबह तक हम बराबर 12 से लेकर बराबर सुबह 6:30 तक इसी तरह बैठे हुए थे एक कोने में समेटे हुए। जब सुबह 6:30-7 का टाइम हो गया, 18 फरवरी 2019, एक सिविलियन ने हमें यहाँ पे आया, उसने हमारे दरवाजे को खटखटाया और कहा कि तलाशी है, बाहर आ जाओ, दरवाज़ा खोलो। जो ही हमने दरवाज़ा खोला, उसी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान से आया हुआ एक मुजाहिद, उसने अंदर पना ले ली भागते भागते। जो ही हमने दरवाज़ा खोला, किसके लिए? तलाशी के लिए। तो उसने उसी का फ़ायदा उठाकर अंदर गया हुआ। तो उसके फौरन बाद जो ही कारण बढ़ता गया, उसके फौरन बाद तकरीबन आधा घंटा बाद यहाँ से फायरिंग शुरू हो गई दूसरे मकान में। वो हमारा यहाँ पे पड़ोसी है मंजूर अहमद, उसके मकान में फायरिंग शुरू हो गई। हमने समझा शायद कि वही पे मुजाहिद है, लेकिन जो वो जब उन दो को शेड किया, फिर हमारे घर के ऊपर उनने कारण टाइट कर दिया। अच्छा, पूरा घर डिस्ट्रॉय कर दिया? एक ही घर नहीं, 3 कुंबे थे यहाँ पे। एक है मोहम्मद अब्दुल्ला हजाम जो कुक है, वाजा का काम करता है कश्मीरी को। दूसरा है मोहम्मद अबली, वो ज़मींदारी करता है, उसका मकान भी डिस्ट्रॉय किया है। तीसरा है मेरा बाप मोहम्मद यूसुफ हजाम, उसका मकान भी पूरा खाक में मिलाकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। उन तीनों की किचन है, उन तीनों के गाँव खाने हैं और 2 गाय को भी मारा। कोई सुनवाई नहीं होती है? आप लोगों ने सुबह जाके किसी से कोई बातचीत, कोई सुनवाई? तो कोई आया नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई आया नहीं, ना कोई पॉलिटिशियन आया, ना कोई MLA आया, ना कोई यहाँ पे आया जो हमें मतलब इसमें मदद कर सकता था। ना यहाँ का कंसर्नर DC आया, ना कंसर्नर तहसीलदार, ना पटवारी, कोई भी नहीं यहाँ पे आया। अगर कोई भी मदद, लिटिल बिट कोई भी कुछ खास मदद हो गई, वो हमें यहाँ की लोकल बॉडी से हो गया, जो यहाँ हमारे गांव पिंगलाना पुलवामा है। पुलवामा से 5 किलोमीटर दूर है ये। पुलवामा हमारा ज़िला पड़ता है, ब्लॉक हमारा काकापुरा है, उससे भी 5 किलोमीटर हम इसके बीच में पड़ते हैं। लेकिन अगर हमें कोई भी मदद आ गई लोकल बॉडी में, क्या जो यहाँ की मस्जिद कमेटी है, उन्होंने हमें मदद किया थोड़ा बहुत। लेकिन इस तरह के जो घर होते हैं, जो एनकाउंटर के अंदर जो बर्बाद होते हैं, उनके लिए तो कॉम्पनसेशन पॉलिसी है, सरकार उनको मुआवजा देती है। मगर सरकार ने हमें अभी तक कोई मुआवजा दिया नहीं, जबकि हम उनके पास गए, हम गए फॉरेस्टर के पास भी, हमने उसको बोला हमें कुछ लकड़ी भी दे दो ताकि हम कोई शाड़वाड़ बना सके। उसने बोला कोई बात नहीं, एप्लीकेशन प्रोसेस करके रखो, फिर देखेंगे। लेकिन अभी तक तकरीबन हो गया 1.5 महीना, 1.5 महीने में उसने 1 फुट लकड़ी भी नहीं दे दी अभी तक। DC साहब के पास गए, उसको बोला कि यहाँ पे कम से कम अगर आप मदद भी नहीं कर सके, कम से कम 1 सुकार भेज दो, चेकिंग सुकार, वो देख सके कि यहाँ पे कोई गोला बारूद ना रह गया हो। उसने बोला कल परसों करके 1.5 महीना हो गया, अभी तक वो आए नहीं। एक ही हाल है इसका, जब कोई टेररिस्ट आएगा, चाहे वो लोकल होगा चाहे वो फॉरनर होगा, उसके हाथ में होता है बंदूक। अगर हम उसको बोलेंगे ना भाई आप अंदर मत आ जाओ, मकान खा के चल जाओ, उसके पास भी एक पावर होता है। अब हो रहा है कि बात यहाँ की फोर्स की, वो आएंगे, उनके पास भी बंदूक होता है। बीच में जो लड़के हुए हैं वो कश्मीरी कौम है, उनका कोई हल निकलना चाहिए, इनको सोचना चाहिए, दोनों मुल्कों को सोचना चाहिए, कोई पीसफुल डायलॉग निकाले। उसकी पीसफुल डायलॉग की वजह से अगर वो उनके कोई ऐसा हल निकाले जिससे ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए, क्योंकि हम तो बेबस है, उनके पास भी बंदूक होता है, ना तो हम उस बंदूक का मुकाबला कर सकेंगे ना उसका। उसको कुछ बोलेंगे तो वो मार सकते हैं, उसको बोल सकते हैं वो भी मार सकते हैं। एक्चुअली जब से BJP गवर्नमेंट आई है, उसने पूरे ताकत दिया है फोर्स को, फुल पावर गिवन टू द मिलिट्री फोर्सेज बाय द BJP गवर्नमेंट। कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी तो उसमें कम से कम मदद भी मिलता था। अच्छा मोहम्मद साहब, अब चुनावों की घोषणा हुई है, आपको लगता है कि ये चुनाव जो है आप लोगों की ज़िंदगी के में कुछ बदलाव ला सकते हैं? ये तो एक ही थाली की चट्टी है, चाहे कोई भी आए, लेकिन असल मसला है कश्मीर का। तकरीबन पिछले 1947 से लेकर अभी तक, ये होते हैं अभी तक तकरीबन 63 साल में, जब उन्होंने ये मसला हल नहीं किया तो अभी कहाँ से करेंगे। हर कोई बोलता है मुझे अब चुनाव लड़ने दो, जीतने दो, आइंदा जब मेरे 5 साल होंगे तो मैं वो करूँगा, ये करूँगा, लेकिन फिर कुछ नहीं होता है। आप लोग वोट डालेंगे चुनाव में? वोट तो हम कभी नहीं डालेंगे यार। क्यों? अगर आप वोट ही नहीं डालेंगे तो फिर आप अपनी बात क्यों?
जो वोट डालेगा वोट डालना एक जिम्मेदारी होता है एक शहरी की, अगर वोट किसको डालेंगे वो एक जिम्मेदार शख्स होना चाहिए। यहाँ तो कोई नजर नहीं आता है जो जिम्मेदार शख्स है। आपके स्टेट में विधानसभा इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, गवर्नर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। हाँ। तो आप लोग चाहते हैं कि विधानसभा इलेक्शन हो? हाँ हाँ हम तो चाहते हैं कि गवर्नर रूल खत्म हो जाए, यहाँ का जो लोकल असेंबली इलेक्शन है लोकल असेंबली इलेक्शन होना चाहिए। तो लोकल असेंबली इलेक्शन में आप वोट डालेंगे इसका मतलब? ना वोट डालेंगे नहीं, लेकिन होना चाहिए कम से कम, अगर वोट कम ही वही पड़ेंगे। मैं अपनी हिसाब से बोलूँगा मैंने कभी डाला भी नहीं। आपका यकीन नहीं है वोट में? क्योंकि जो हमारा कंसर्नड एमएलए इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं वो तो उस काबिल मेरे ख्याल से है नहीं कि वो असेंबली सीट के लिए बैठे जाए। उसका एक अच्छा पॉलिटिशियन होना चाहिए। हम तो ना मुझे नहीं कहते कि हमें पाकिस्तान से छोड़ दो ना हिंदुस्तान से छोड़ दो, हम कहते हैं कि हमारे लिए कोई अच्छा बीच वाला रास्ता निकाल दो जहाँ उस पार भी इस पार भी खून खराबा बंद हो जाए बस। क्योंकि सबसे कीमती चीज़ें इंसानी जान, चाहे उधर से हो जाए इधर से हो जाए, लेकिन बहरहाल तो इंसान ही मरता है, इंसानी ज़मीर मरता है। खौफ और दहशत का माहौल है हर तरफ से, शाम 7 बजे ऐसा लगता है कि अब तो होलना कयामत आने वाली है। सुबह तक समझो कि रात पर तारे गिनने पड़ते हैं खौफ और दहशत की वजह से। हम कोई भरोसा नहीं है कि मतलब बच्चा स्कूल गया कि वापस आया ना आए, कि बीच में कहीं ऐसी फायरिंग ना हो जाए, बीच में कहीं ऐसा इनकाउंटर ना हो जाए कि वो घर नहीं आ सकते। जैसा कि हो गया पिछले महीने सिंगू नारबल काकापुरा से 3 किलोमीटर कोई सेंटर के अंदर कैरेट फेंका गया। अच्छा, इसके अलावा आपने अखबारों में कहीं पढ़ा होगा या टीवी में देखा होगा कि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं कश्मीर के बाहर भी उन पे लोग जो वो कर रहे हैं, बहुत जुल्म होता है कश्मीर के बाहर भी। जहाँ सबसे ज़्यादा जुल्म देहरादून पंजाब चंडीगढ़ साइड से बहुत जुल्म हो गया है, लेकिन उसके बरकर अगर हम इधर देखेंगे यहाँ बाहर के तकरीबन 50-60% लोग यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन उनको हमने हमेशा मेहमान की तरफ पाला है, हमने उन पर कभी आँच नहीं आने दी। तो अगर हम कहीं भी मतलब जाएंगे बाहर वो तो हमें आतंकवाद की नज़र से देखते हैं, वो तो ये समझते नहीं कि ये भी हमारी तरफ इंसान है इस देश के हिस्से, वो तो कभी समझते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम आतंकवादी सही है हमारे लिए कोई बीच वाला रास्ता निकाल दो, हमें अलग ही छोड़ दो, ना उस पाकिस्तान से छोड़ दो ना हिंदुस्तान से, हमें अलग छोड़ दो।